लोग अपनी भाषा या जिस धर्म में पालन करते हैं उसके आधार पर आत्मा रूप पवित्र चेतना या महाचेतना, बहुत से लोग वास्तविक आत्मा, अमर आत्मा, शुद्ध आत्मा भी कहते हैं। फिर भी आत्मा क्या है? क्या पूर्णतः आध्यात्मिक है? क्या यह आध्यात्मिक नहीं है? सोल यानी आत्मा यानी सेल्फ, खुद का स्वरूप। जिसने आत्मा का अनुभव किया उसने आत्मा का आत्मिक सुंदरता से पहचाना है, क्योंकि मन का स्वभाव शांति है, आत्मा का स्वभाव आनंद है। आनंद यानी शाश्वत सुख की अवस्था। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं कि आत्मा वास्तविक अर्थ समय खुद है, समय की सच्चा स्वरूप। शाश्वत सुख आनंद हमारे भीतर ही है। आपका सच्चा स्वरूप यानी आत्मा है, अनंत सुख का धाम है। फिर भी आप विनाशी जीवों को अपना सुख ढूंढ रहे हैं। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य आत्मा जागृत करना है। आत्मा प्रत्येक जीव मात्र में होता है, उनका स्वभाव एक समान है, यानी प्रत्येक आत्मा गुण समान होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख आत्मा मुख्य गुण है, जो कि भौतिक सुखों में इस प्रसिद्धि पैसा संपत्ति स्वभाव विनाशी है और असंतोष करवाता है। आत्मा शाश्वत है और ठीक वैसे ही उसके गुण भी हैं। विनाशी होता है, मर नहीं सकता है, जल नहीं सकता है, कट नहीं सकता है, बह नहीं सकता, एक अविनाशी होता है, ये अजन्मा अमर है, भगवान का स्वरूप होता है। आत्मा एक परमात्मा का रूप है, वह प्रगट ज्ञानी है जिसके पास दूसरों की आत्मा जागृत करवाने की सिद्धि होती है। केवल वही है जो आत्म साक्षात्कार हमारे आत्मा का अनुभव को करा सकते हैं। इसलिए शुभकामनाएं के साथ शाश्वत सुख मार्ग सिद्ध ही मिले। यहाँ वह प्रस्तुत है जो आप आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं और आत्मा का